टोयोटा ने अपनी नई गाड़ी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है अर्बन क्रूजर टेजर, जो कि आपको भी पता है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का एक रीबैज वर्जन है। इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स के साथ सफल किए गए हैं क्योंकि गाड़ी तो पूरी सेम है बस टोयोटा के लोगों के अलावा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं इसके सारे वेरिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर इंजन ऑप्शन की। तो दो इंजन ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं, पहला है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। सबसे पहले बात करते हैं 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की, जिसके अंदर टोयोटा टेजर का बेस वेरिएंट है ई, उसके बाद एस, उसके बाद एस प्लस, और वहीं पे मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के अंदर बेस मॉडल आता है सिग्मा, फिर डेल्टा एंड देन डेल्टा प्लस। सारे वेरिएंट्स के अंदर जो प्राइसिंग है उसमें 22,000 रुपए का डिफरेंस है, मतलब कि मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स है वो 22,000 रुपए सस्ती है। और अगर आपको सेम गाड़ी लेनी है टोयोटा के लोगों के साथ तो आप 22,000 रुपए एक्स्ट्रा देके उसे ले सकते हो। फिर आते हैं इसके एएमटी वेरिएंट पे, 1.2 लीटर पेट्रोल एएमटी के अंदर। इसमें दो वेरिएंट आते हैं टोयोटा के अंदर जिसमें एस और एस प्लस आता है, और दोनों ही वेरिएंट मारुति के जो वेरिएंट्स आते हैं डेल्टा और डेल्टा प्लस, इससे 25,000 रुपए महंगे हैं। तो अगर आपको ऑटोमेटिक के अंदर थोड़ा सा टोयोटा का लोगो चाहिए और टोयोटा वाला फील चाहिए, वैसा फील तो इसके अंदर मारुति वाला ही मिलने वाला है, तो आपको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वहीं पे बात करें इसके सीएनजी वेरिएंट की, तो सीएनजी वेरिएंट इसके अंदर एक ही आता है जो कि है ई, जो कि 8,71,500 का है, जो कि मारुति में मिलने वाले सिग्मा वेरिएंट से 25,000 रुपए महंगा है। वहीं पे मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर आपको डेल्टा वेरिएंट भी मिल जाएगा सीएनजी के अंदर, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और लोग सबसे ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाते हैं जब सीएनजी की बात है फ्रॉन्क्स के अंदर। अब बात करते हैं टर्बो वेरिएंट की, जो कि टर्बो वेरिएंट में मैं मैनुअल ट्रांसमिशन की पहले बात करूंगा। इसके अंदर आपको टोयोटा में दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे जी और वी, वहीं पे मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के अंदर आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे डेल्टा प्लस, जीटा और अल्फा। तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के अंदर जो जीटा और अल्फा हैं वही वेरिएंट टोयोटा ने लॉन्च किए हैं, मतलब मारुति का जो डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट है टर्बो के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन में वो वेरिएंट इन्होंने लॉन्च ही नहीं किया है, तो कुछ वेरिएंट्स की कटौती भी की गई है। वहीं पे बात करें इसके अंदर ऑटोमेटिक की, तो ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट ऑलरेडी सेम है, प्राइसिंग भी एक एक रुपए की सेम है। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा वीडियो थी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैंने प्राइसिंग का डिस्कस किया है। अगर आपको इन गाड़ियों का कंपैरिजन चाहिए तो किस वेरिएंट का चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।